प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर का, महान पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का अद्भुत कृपा हमारे साथ है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ और परमेश्वर का अद्भुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की योजना है मेरे भाई मेरी बहन कि हम एक साथ मिलें और परमेश्वर के वचनों को बांटें। हालेलुया, तो धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आप महिमा और आदर के योग्य हैं। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है इन वचनों के द्वारा। दोस्तों, हम हर बार मिलते हैं, हम हर बार वचनों को समझते हैं, हम वचनों को सुनते हैं और वचनों को बोलते हैं, लेकिन ये वचन किस तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं, ये नजरिया हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम किस नजरिए से उन वचनों को देखते हैं। हमारा नजरिया क्या है परमेश्वर को देखने का, हमारा नजरिया क्या है अपने जीवन को देखने का, हमारा नजरिया क्या है वचनों को ग्रहण करने का और उसके मुताबिक जीने का, बहुत जरूरी है। हालेलुया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के वचनों के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे कहता हूं कि जिन्होंने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए ताकि परमेश्वर का अद्भुत आशीष हम सबको मिले, और जो नहीं जानते हैं कि हम इस पेज पर हैं वो भी आए और परमेश्वर का आशीष पाए। हालेलुया, धन्यवाद। अपने हालातों पर हावी हो जाओ, आपने आज तक नहीं सुना होगा, हालात हम पर हावी हो जाते हैं, परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, लेकिन आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, आज जो प्रकाशन है, आज जो वचन है, वो ये कहता है कि अपनी परिस्थितियों पर हावी हो जाओ और अपनी असफलताओं को स्वीकार करो। ये जीत का एक उपाय है, ये जीतने का एक उपाय है। यस लॉर्ड, मेरे भाई मेरी बहन, हमें अगर जीतना है तो हमें किस तरीके से जीवन को जीना है। हम अपने जीवन में कई ऐसे निर्णय लेते हैं, हम अपने जीवन में कई ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जब हम बहुत हताश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारे जीवन में अब क्या होगा, और वहां उस मोड़ पर हम अपने आप को अकेला पाते हैं। संदेह आता है हमारे मन में कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है, हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं आपको सब, क्योंकि हमारा नजरिया गलत होता है, परिस्थितियां अगर हम पर हावी हो जाएं, परिस्थितियां अगर हमारे सामने हमें चट्टान की तरह लगे, तो हमारा विश्वास कमजोर होना लाजमी है। इसलिए बाइबल कहती है परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। Yes, और आज का वचन भी यही कहता है कि हालातों पर हावी आप हो जाओ। हमको हावी होना है, कैसे मैं आज आपको बताऊंगा, और मैं आपको सच कह रहा हूं, ये जो रास्ता मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, ये जो समाधान मैं आपको देने वाला हूं, आज आपकी सोच को बदलेगा। और अगर आप अकेले हैं, अगर आप असफल हैं, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर आपकी नौकरी छूट गई है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अंधकार है, तो मैं सच कह रहा हूं आज का वचन आपके लिए है, जो आपको रोशनी देगा, जो आपको शक्ति देगा, जो आपको जीवन देगा, जो आपको उत्साह देगा, जो आपको आशा देगा और जो आपको एक नई उमंग देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। परमेश्वर का आशीष हमारा इंतजार कर रहा है, परमेश्वर आज का आशीष हमारे लिए है, परमेश्वर की शक्ति हमारे लिए है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए है। लेकिन जब हमारी परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, जब हमारी परिस्थितियां बड़ी हो जाती हैं हमारे सामने और हमको लगता है कि अब क्या होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तब हमारे मन में संशय आता है, हमारे मन में डर आता है, हमारे मन से आशा निकल जाती है कि अब क्या होगा। उसी पल हमें हालात पर कब्जा करना है, उसी पल हमें हालातों पर हावी होना है। यस, और उसके बाद आप देखिए कि आपके सोच बदलेगी, आपके हालात आपको बहुत छोटे लगेंगे, यस, हालात कुछ नहीं कर सकते, ये परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये परीक्षाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब आप हालातों पर हावी हो जाएंगे, जब आप हालातों पर कब्जा कर लेंगे, तो आपके हालात चूजे जैसे लगेंगे, चूजे जैसे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपके हालात। हालेलुया, यही आज मैं सिखाने वाला हूं, यही मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए।
तैयार हो जाइए और परमेश्वर का अभिषेक लेने के लिए, परमेश्वर का आशीष लेने के लिए और एक नया समाधान लेने के लिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बदल ले, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपकी सोच को बदलना चाहता है, ताकि आप आशीष पाएं और सुख पाएं और आनंद का जीवन जिए। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र से हम शुरू करते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपको पता होगी, लूका 15। उसमें एक दो बेटे होते हैं एक पिता के, और एक छोटा बेटा जो होता है वो अपना पैसा लेकर वो अपने पिता से कहता है कि मुझे मेरा हक दो, मैं जा रहा हूं दूसरे देश में, मुझे मेरा हक दो और मैं दूसरे देश में जा रहा हूं। और पिता उसका उसको समझाता है और अपना हक दे देता है, और वहां वो जाता है बेटा और अपना पैसा लेके जाता है। शैतान उसका यूज करता है, सारा पैसा खत्म हो जाता है, अय्याशी करता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास खाने के लाले होते हैं, उसके पास खाना नहीं होता है, उसको सुअर चराने की नौकरी मिलती है, कोई काम नहीं मिलता। आप सोचिए, आप कोई काम नहीं, उसके पास सुअर चराने की नौकरी मिलती है और वहां भी खाना नहीं मिलता है, तब वो क्या करता है, सुअरों का खाना खाता है। आप सोचिए कि कैसी परिस्थिति में वो फंसा था, कैसी परिस्थिति उस लड़के के ऊपर थी। लेकिन क्या हुआ, उसने क्या किया, वो परिस्थिति पर हावी हो गया। परिस्थिति उस पर हावी होती, परिस्थिति थी उस पर हावी थी, उसका पैसा नहीं था, उसके पास कोई अपना साधन नहीं था, उसके पास वहां कोई आदमी नहीं था, उसके पास उसका पिता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, यानी कि सारी परिस्थितियां उसके विपरीत थी और इसीलिए उसे सुअरों का काम करना पड़ा। मेरे भाई मेरी बहन, कभी कभी ऐसा समय आता है हम जो करना चाहते वो नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा समय आता है कि जो हमारा काम नहीं है हमें वो करना पड़ता है अपनी गुजर बसर के लिए। आपके संग भी हुआ होगा, कई बार हम पढ़े लिखे, हमने डिग्रियां हासिल की हैं, हमारे पास बहुत डिग्री, हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन ऐसा हालात आ गई है, मेरी एज हो गई है, आपकी एज हो गई है, अब आपको कोई काम नहीं देगा, तो आप जब काम कर रहे हैं कंप्रोमाइजिंग का काम कर रहे हैं, आप ऐसा काम करें जो आपको काम नहीं करना चाहिए। परिस्थिति आप पर हावी होना शुरू करती है, उस समय जो परिस्थिति है ना वो आप पर हावी होती है और आपको लगता है कि अरे मैं क्या था, मैंने तो बीए किया, मैंने तो पीएचडी की, मैंने तो ये ज्ञान लिया, मेरे पास तो ये डिग्री है, मेरे पास तो ये डिग्री है, मेरे पास तो ये नॉलेज है, लेकिन आज क्या। परिस्थिति आप पर हावी होने लगती है, परिस्थिति आपको दबाती है, आप कहते हैं नहीं 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 मैं ये काम नहीं कर सकता, भाई मैं ये काम नहीं करना चाहूंगा, मैं ये काम कैसे करूंगा, तुझे ये जो काम तो बहुत छोटा है, मैं एक बॉस रह चुका हूं, मैं एक मैनेजर रह चुका हूं, मैं एक मालिक रह चुका हूं फैक्ट्री का, अब मैं काम कैसे करूं। उस समय परिस्थिति आपको दबाती है, अब वो काम भी नहीं करने देती परिस्थिति आपको, परिस्थिति आपको दबाती है, क्योंकि समाज कहीं देख ना ले, आपके रिश्तेदार आपको देख ना ले, अरे आपकी बेटी जो कहीं शादी होकर गई है अगर उसको पता लग गया कि मेरा बाप ये काम कर रहा है तो उसका क्या होगा, आपके अंदर ये ख्याल आता है, आपके अंदर ये ख्याल आता है कि नहीं 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 अगर मेरे दोस्त ने देख लिया तो क्या होगा, अगर मेरी बीवी के आपके भाई ने देख लिया तो क्या होगा, तमाम आपके विचार आपके सामने आते हैं और आपकी परिस्थिति आपको 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 बिल्कुल गुलाम बना देती है कि आप ये काम कर नहीं सकते, आप वो काम करना नहीं चाहते। हालेलुया। आपको हालात के विपरीत जाना है, आपको हालातों पर हावी होना है, अंगीकार करना है, यस 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 मेरी एज है, यस मेरे हालात ऐसे हैं, यस मेरा बिजनेस तबाह हो चुका है, यस मैं दिवालिया हो गया हूं। आपको अंगीकार करना पड़ेगा, आपको अपने हालातों पर हावी होना पड़ेगा और तब आपको बोलना पड़ेगा यस, तब आपके जो हालात है ना वो आपसे दबे रहेंगे, तब जो आपके हालात है ना वो आपके अंडर में आ जाएंगे। आप हालातों के अंदर थे जब आपको हालात, जब आपके विपरीत वो जो आपकी वो जो थी आपकी परिस्थिति थी वो आपको दबा रही थी, लेकिन अब जब आप हालात पर हावी होते हैं तो क्या होता है। हालेलुया। सुनिए, मान लीजिए आपका बिजनेस खत्म हो गया, मान लीजिए आप दिवालिया हो गए, मान लीजिए एक आपका बहुत बड़ा बिजनेस था और उसको खत्म हो गया, लॉकडाउन हुआ, खत्म हो गया, आपकी नौकरी चली गई और आपके ऊपर कर्जा आ गया। मान लीजिए आपने किसी से 15 लाख 20 लाख 25 लाख कर्जा लिया है और आप डाउन हो गए, परिस्थिति आपके ऊपर आ गई, परिस्थिति ने आपको घेर लिया है, परिस्थिति ने आपको दबा दिया कि अब क्या होगा, एक आवाज अंदर से आती है अब क्या होगा। हालेलुया। हालातों पर विजय करिए, हालातों पर हावी हो जाइए। हालेलुया। फोन करिए उसको,
जिससे कर्ज लिया था आपने 15 लाख 20 लाख 25 लाख, उसको कहिए भैया मैं दिवालिया हो गया। उसको कहे मेरे भाई मेरे नाम गुप्ता था, आपने मुझे दिया था लोन, मैं बोल रहा हूं मैं दिवालिया हो गया हूं, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरा बिजनेस नहीं रहा है, अब मैं आपको फोन कर रहा हूं कि जो आपका कर्ज है जो मैं दूंगा, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मैं जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। हाल नहीं है, जब हम हालातों के सामने आते हैं, जब हम हालातों के सामने खड़े होते हैं तो हालात पीछे हट जाते हैं। हालातों के सामने हमें झुकना नहीं है, यस अपनी अपनी स्थिति का हमें अंगीकार करना कि मैं क्या था, यस मैं क्या हो गया हूं, मैं क्या हो गया, मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। इस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, जैसे ही वो सूरों को खाना खिला रहा था और उसको भूख लग रही थी और सूरों खाना खा रहा था, हालेलुया, उसने अंगीकार किया, उसने उस हालात पर कब्जा किया, उसने उस हालात को कब्जा लेकर उस हालात पर हावी हो गया, हालेलुया। वो क्या कहता है 16, उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वो उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं दे रहा था। 17, देखिए ध्यान दीजिए, परंतु जब वो होश में आया तो उसने कहा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों का पेट भर भोजन मिलता है, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों का पेट भर भोजन मिलता है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। जिस दिन आपकी कमी में, जिस दिन आपकी कमजोरी में, जिस दिन आपकी घटी में, जिस दिन आप निराश हो जाएंगे, जिस दिन आपकी नौकरी चली जाएगी, जिस दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, जिस दिन आपके हालात आपके ऊपर आएंगे, उस दिन आप कहिए कि मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में खाने को है, मेरा पिता जो परमेश्वर है मुझे देने के लिए तैयार है। हालेलुया, आप हालात का सामना करिए। इसने हालात का सामना किया, ये क्या कहता है, कह रहे मैं यहां पर सूअर के सामने खा रहा हूं, सूअरों की रोटी खा रहा हूं, लेकिन मेरे पिता के पास खाने के लिए है, मेरे पिता के घर में जो मजदूर हैं वो खाते हैं, हजारों मजदूर खाते हैं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये डिसीजन, ये निर्णय आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया, मुंह छुपाने से नहीं, शैतान आपको बोलेगा मुंह छुपाओ, शैतान आपसे कहेगा फोन मत उठाओ। अरे भाई फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है, कर्जदार का फोन आ रहा है, नहीं 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 मुझे फोन नहीं उठाना है, नहीं 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 अपनी बीवी से आप बोलेंगे नहीं नहीं फोन नहीं उठाओ, अरे मैंने उसका पैसा देना है, नहीं 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 फोन नहीं उठाना, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, खटखट हो रही है, दरवाजे पर कोई आ रहा है, बेल बजा रहा है, आप अंदर चुपके हुए हैं क्योंकि आपको पैसा देना है, क्योंकि आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, क्योंकि आपकी नौकरी चली गई है। हालेलुया, नहीं मेरे भाई हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़कर दरवाजा खोलना है, मैं यहां पर हूं, उसको बताना है कि मैं यीशु का बंदा हूं, मैंने आपसे पैसा लिया था मुझे आपका पैसा देना है, मैंने आपसे कर्ज लिया था मुझे आपका कर्ज देना है, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है, मैं दूंगा। हालातों का सामना करिए। परमेश्वर ने क्या सिखाया, यीशु का कहता है तुम्हें कलेश आएंगे, यीशु ने पहले बता दिया कि तुम अगर मेरे पीछे चलोगे तो तुम पर कलेश आएंगे। हालेलुया, क्यों बताया यीशु मसीह ने कि आप, यीशु ने बताया कि कलेश आएंगे, इसलिए यीशु ने बताया कि सताव आएंगे कलेश आएंगे, ताकि हम जब कलेश आए, जब सताव आए तो हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम घर में छुपकर नहीं बैठे। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि जब आप प्रॉब्लम में होंगे, जब आप कर्जे में होंगे, जब आप दुख में होंगे, तो ऐसे संकट आएंगे, शैतान भेजेगा, कर्जदार आएंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे। यहां मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से उड़ाऊ का पुत्र, जिसने पैसा लिया, जिसने गलत काम किया, जो गलत दिशा में गया, लेकिन उसकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई उसकी परिस्थिति, लेकिन वो परिस्थिति से भागा नहीं, वो परिस्थिति के सामने आया और उसने कहा कि मेरे पिता के घर में खाने को बहुत है, मेरा पिता राजा है, मेरा पिता देने वाला है, मेरा पिता माफ करने वाला है, मेरा पिता मुझे शरण देने वाला है, मुझे गले लगाने वाला है मेरा पिता। हालेलुया, वो जानता था। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई अगर कभी कठिन वक्त आए, अगर आपकी नौकरी छूट जाए, अगर आपका धंधा चला जाए, तो डरिए मत, विश्वास करिए और सामने आइए, अंगीकार करिए कि आपका धंधा चला गया है, आपकी नौकरी छूट गई है। हालेलुया, आपके दोस्तों ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपके रिश्तेदारों ने आपका साथ छोड़ दिया है, डरिए मत, अंगीकार करिए कि मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, आप देखिए परमेश्वर आपको शक्ति देगा, आप देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। अगर हम
अपनी परिस्थितियों से भागेंगे। प्रॉब्लम कहां आती है, समस्या कहां आती है, जब हम अपनी परिस्थितियों को छुपाते हैं, जब हम अपनी परिस्थितियों को बहुत बड़ा समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारी परिस्थितियां अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, अब हमारी परिस्थितियां हमें बदनाम कर देंगी, अब हमारी परिस्थितियां हमारी इज्जत उछाल देंगी, अब लोग आएंगे और हमें पता नहीं पुलिस के हवाले करेंगे, गालियां देंगे, मारेंगे या क्या करेंगे, तरह तरह की बातें आपके जहन में आती हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है संकट में मैं तेरे साथ हूं, संकट में मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम जिसने यीशु का जन्म दिया, जब पवित्र आत्मा उस पर आच्छादित हुआ, आप याद करिए उस समय की व्यवस्था क्या थी कि जो कोई कुमारी मां बनती थी उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाता था। लेकिन उसके पास उसके ऊपर परिस्थिति की थी, अब क्या होगा? मैंने हाथ तो कर दिया, मैं परमेश्वर के साथ में हूं, मैंने परमेश्वर से कहा है कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, मैंने कह दिया है। परिस्थिति अगेंस्ट थी, परिस्थितियां विपरीत थी कि क्या होगा। लेकिन उन परिस्थितियों का सामना मरियम ने क्या किया? लुका 1 का 48 में वो क्या कहती है, ध्यान दीजिए, वो क्या कहती है? वो अपने हालातों को, वो उन परिस्थितियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। वो क्या कहती है कि क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। हालेलुया। कोई लोग उसके सोच रहे होंगे, हो सकता है उसके दोस्त सोच रहे होंगे, हो सकता है उसकी सहेलियां सोच रही होंगी कि अब तो ये गई। जैसे ही किसी को पता चलेगा कि ये गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा है, तो इसको लोग मार देंगे, खत्म कर देंगे। हो सकता है रिश्तेदार उससे बात ना करते हो सकता है उसके लोग उससे बात ना करते हो, लेकिन उसने क्या कहा कि मेरा प्रभु जिसने मेरी दीनहीन दशा पर कृपा की है वो मुझे उठाएगा और आने वाले युग में मेरा नाम लिया जाएगा। हमें डरना नहीं है, हमें परिस्थितियों के अंडर नहीं आना है, हमें परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आना है, परिस्थितियों पर हावी होना है, हालातों पर हावी होना है और अपनी असफलताओं को मानना है मुझसे गलती हुई, मानिए। अपने बच्चों को बताइए, कल तक आपके बच्चे गाड़ी में घूमते थे, कल तक आपके बच्चे मोटरसाइकिल में घूमते थे, खूब पैसा था घर में, आज मान लीजिए आपका बिजनेस चला गया, आज मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई है, बताइए बच्चों को, मेरे हालात ठीक नहीं है बेटा, मेरी बेटी मेरे हालात ठीक नहीं है। आज से हम अपने जीवन के तरीके को बदलेंगे, आज से हम रोजमर्रा के तरीके को बदलेंगे। आज हम दाल रोटी सब्जी चिकन मटन सब लोग खाते थे, नहीं आज से हम नहीं खाएंगे, आज से हम सिर्फ दाल खाएंगे, आज से हमारे घर में सिर्फ एक सब्जी बनेगी। आप बताइए कि मैं असफल हो गया, आप बताइए कि मेरी हालत कैसी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप जब अंगीकार करेंगे, आप जब बताएंगे तो परिस्थिति आप पर हावी नहीं होगी। आप जब परिस्थिति का मुकाबला करेंगे ना, आप जब परिस्थिति पर हावी हो जाएंगे ना, तो परिस्थिति झुक जाएगी और परमेश्वर आपका साथ देगा। अब सोचिए, अगर परिस्थिति आप पर हावी हो जाए, अगर परिस्थिति आप पर जैसे हावी हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? हमारे हाथ में कुछ है क्या? नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगी अगर परिस्थिति हम पर हावी होती है मेरे भाई? तो डर हम में आता है, संदेह हम में आता है, अविश्वास हम में आता है, शैतान हमारे जीवन में काम करता है और चांसेस हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम कोई पाप कर बैठे। लेकिन अगर आपने परिस्थिति का सामना किया, अगर आपने परिस्थिति पर वार किया, अगर आप हालातों पर हावी हो गए, तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। अंगीकार करिए, यस मेरा घाटा हो चुका है, मेरी नौकरी छूट गई है। अंगीकार करिए, अपने हालातों को छुपाइए मत,
दूसरों को बताइए, दोस्तों को बताइए, यस प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी बिक दी है, गाड़ी बिक गई, यस कोई बात नहीं। मेरी परिस्थिति एक बार आई थी, मेरा बच्चा जब हुआ था प्रॉब्लम्स आ गए, मैं बॉलीवुड में था, 7-8 फिल्मों का हीरो था और मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी। डायरेक्ट करता था मैं उस समय सीरियल्स, जो सीरियल्स आप लोग देखते हैं जी सोनी स्टार पर, कई सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किए हैं। उस समय पैसा नहीं था, मुझे एक गाड़ी बेचनी पड़ी, मैंने गाड़ी बेच दी, बहुत अफसोस हुआ। इट्स नॉट ए इजी, अगर आप गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी में एकदम एक दिन आपको लगे आपको गाड़ी बेचनी पड़े, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा किसी और से मांगने से अच्छा मैं गाड़ी बेच दूं, किसी और से कर्ज लेने से अच्छा मैं गाड़ी बेच दूं। मैंने गाड़ी बेच दी, मैं बस में चलने लगा। मैं कौन था उस समय? हीरो, टीवी अनाउंसर था, न्यूज रीडर था, डायरेक्टर था। लोग मुझे फोन करके काम मांगते थे कि डायरेक्टर साहब मुझे काम चाहिए। और उन दिनों भी ऐसा होता था कि मेरी एक सीरियल चल रही थी जिसका डायरेक्शन मैं कर रहा था और जहां मुझे कास्टिंग भी करनी थी, लोग फोन कर रहे थे कि मैं उन्हें काम दूं, फोन कर रहे थे कि सर हमें काम चाहिए, हमें काम दीजिए। और मैं बोला था मैं दूंगा, मैं बताऊंगा, कल फोन करूं, परसों फोन करूं। और अचानक क्या हुआ कि मुझे जाना पड़ा और मैं बस में गया और बस में बैठा था, जिसने मुझे फोन किया था वही आकर मेरे पास बैठ गया और वो मुझे देखने लगा। आप सोचिए वो क्या सोच रहा था कि मैं डायरेक्टर हूं। अरे डायरेक्टर हूं मैं, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास घर होगा, मैं एक अच्छा औहदा रखता हूं। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसका चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा अरे इनको मैंने फोन करके काम मांग रहा हूं, ये तो खुद बस में घूम रहे हैं। लेकिन मैंने उसको क्या बताया, मैंने कहा भाई मैं बस में जरूर घूम रहा हूं लेकिन मैं हूं डायरेक्टर, मैं बस में घूम रहा हूं, गाड़ी बिक गई है, प्रॉब्लम में हूं। हालेलुया, आपने कोई चोरी तो नहीं की ना? मैंने कोई चोरी तो नहीं की ना किसी की, इससे डरिए मत। अगर आपको घाटा होता है कोई बात नहीं, नुकसान सभी का होता है, घाटा सभी का होता है, बिजनेस बहुतों का फ्लॉप होता है, नौकरी बहुतों की जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने चरित्र को खो दें, हम अपने विश्वास को खो दें, हम अपनी आशा को खो दें। और यही हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे संभाला और परमेश्वर ने मुझे बनाया। आप नहीं जानते हैं, जब आप दुख में होते हैं ना, जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, तो परमेश्वर आपको बना रहा होता है, परमेश्वर आपको बना रहा होता है। आप नहीं जानते परमेश्वर का तरीका। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें हालातों पर हावी होना है। मूसा के बारे में, इसलिए उसने मिस्री को मार दिया। लेकिन दूसरा दिन क्या हुआ, दो इब्रानी लड़ रहे थे और उसने उन दोनों इब्रानियों को पीछे करने की जरूरत की, उनकी लड़ाई दूर करने की कोशिश की। लेकिन एक ने क्या कहा इब्रानी में से, ए तू कौन है, तू क्या हमारा न्यायी है क्या, तू क्या करना चाहता है, जिस तरीके से कल तूने मिस्री को मारा है तो हमें मारना चाहता है। तो यहां पर मूसा ने क्या किया, मूसा ने दोनों इब्रानियों को छुड़ाने की कोशिश की कि तुम लोग आपस में क्यों झड़ रहे हो। लेकिन उनमें से एक इब्रानी ने क्या कहा कि तू क्या चाहता है, जिस तरीके से तूने कल मिस्री को मारा है तो हमें मारना चाहता है। आइए मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहता हूं, अगर आप निकालना चाहेंगे निर्गमन की किताब 2 निकालिए। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हालात अगर हमारे सही नहीं, अगर हम हालातों के ऊपर 2:11-14 अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 12वां, हम 13वां देखते हैं। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने दो इब्रानियों को आपस में लड़ते देखा। उसने दोषी व्यक्ति से पूछा, तू अपने साथी को क्यों मारा, कि वो जो परिस्थिति थी, वो जो हालात थे, वो हावी हो गए। अब क्या होगा, अब ये बात खुल गई है, वो वहां से भाग गया। तो मूसा ने क्या किया, देखिए वहां पर क्या हुआ, एक बार दोबारा पढ़ूंगा 13वां से। फिर दूसरे दिन बाहर आपस में लड़ते देखा। उसने दोषी व्यक्ति से पूछा कि तू अपने साथी को क्यों मार रहा है। उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर शासक और न्यायी ठहराया है, क्या जिस प्रकार तूने मिस्री को मार डाला उसी प्रकार मुझे भी मार डालना चाहता है।
तब मूसा डर गया, उसने सोचा निश्चय ये बात खुल गई है और वो वहां से भाग गया। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि मिदान शहर में वो 40 साल तक रहा और क्या करता रहा, भेड़ बकरियां चराता रहा। वो क्या था, राजकुमार था। एक परिस्थिति ने उसको कहां से कहां डाल दिया, एक हालात ने, परिस्थिति इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई, उस परिस्थिति ने इतना ज्यादा मूसा को प्रभावित कर दिया कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और मिदान शहर में चला गया वहां पर और भेड़ बकरियों को चराने लगा। 40 साल तक वहां पर रहा, उसकी शादी सिपोरा से हुई, उसको वहां पर जाकर गिरशोम हुआ उसका बेटा, उसका नाम रखा उसने कि मैं यहां परदेसी हूं, इतना डर गया था वो। आप सोचिए, अगर उसी समय मूसा ने हालात पर हावी होता, अगर मूसा हालात का सामना करता तो क्या होता, ये मैं सोच रहा हूं, बाइबल में नहीं है, ये मैं सोच रहा हूं। अगर उसी समय मूसा उनसे कहता, अरे मैं मूसा हूं, मैं यहां का राजकुमार हूं, लेकिन मैं इब्रानी हूं, मैं जानता हूं कि तुम लोग दासत्व में हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग गुलाम हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग ठीक नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, इसलिए मैंने मिस्री को मारा, क्योंकि मिस्रियों की गुलामी से इब्रानियों को आजादी मिलनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है। अगर वो बताता तो शायद वहां पर वो लोग उसे एक्सेप्ट करते, मूसा को और एक्सेप्ट करते उसकी, हां जब वो समझते कि उसकी योजना की थी। क्यों मारा उसने मिस्री को, अगर वो बताता कि मैंने मिस्री को क्यों मारा, क्योंकि मिस्री तुम पर राजस्व कर रहे, प्रभुता कर रहे हैं और तुम्हें गुलाम बना रहे हैं, मैं तुम लोगों को क्यों मना कर रहा हूं कि आपस में मत लड़ो, इसलिए ताकि तुम दासत्व के जीवन से निकल पाओ, परमेश्वर की यही योजना है। हालेलुया। तब हो सकता है वो जो इब्रानी थे वो समझ सकते, वो समझ जाते कि हाँ ये मूसा सही कह रहा है। फिर परमेश्वर की अलग ही योजना होती, परमेश्वर वहां काम करता। लेकिन क्या हुआ, लेकिन परिस्थितियों की वजह से मूसा इतना डर गया कि मिस्र छोड़कर भाग गया। जो परमेश्वर की योजना 400 साल में पूरी होने वाली थी, जो कि इब्राहिम से परमेश्वर ने जवाब दिया था, वो कहा था उत्पत्ति 15 में, वो 430 साल लग गए। गलतियों की पत्री में आपको पता चलेगा। सिर्फ एक डर की वजह से, सिर्फ इसलिए कि मूसा उन परिस्थिति को संभाल नहीं सका। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमको पीछे ले जाती हैं, बिकॉज क्योंकि हम उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, हम उन परिस्थितियों से डर जाते हैं, हम उन परिस्थितियों को ज्यादा मजबूत समझते हैं, हमें भूल जाते हैं कि हमारा इशू वो इशू है जिसने हमें सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला है, जिसने हमें दलदल में से निकालकर चट्टान पर स्थिर किया है, हमारा वो इशू है। हम क्या थे, हम भूल जाते हैं। आप नहीं जानते कि परिस्थितियां कितना प्रभाव डालती हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप परिस्थिति के शिकार हैं, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर परिस्थिति आपको प्रभावित कर रही है, प्लीज प्रभावित मत होइए उस परिस्थिति से, उस परिस्थिति पर हावी हो जाइए, हालात पर हावी हो जाइए, अंगीकार करिए, यस मेरे पास नौकरी नहीं है, नहीं है पैसा, नहीं है, नहीं है बीमारी है, मेहमान नहीं बन पा रही हूं, कोई बात नहीं, 10 साल हो गए मेहमान नहीं बन पा रही हूं, कोई बात नहीं, बनूंगी, मेरा इशू मेरे साथ है, मेरा धंधा चलेगा, मेरा कर्जा चुकेगा। परिस्थितियां हम पर हावी ना हो जाए, हमें परिस्थितियों को जवाब देना है, क्योंकि हमारे पास जवाब है और वो है यीशु मसीह। हमारे पास परिस्थिति को जवाब देने के लिए है नाम, और वो नाम है यीशु मसीह, और दूसरा कोई नाम नहीं है मेरे भाई। इसलिए डरिए मत, आपके बच्चे गलत संगति में गए हैं और कोई आकर कहता है कि आखिर आपका बच्चा तो सिगरेट पी रहा था, आपका बच्चा तो दारू पी रहा था, हमने देखा आपके बच्चे को ये करते हुए, और अगर आप जानते हैं उनसे बोलिए, यस मुझे पता है, मुझे पता है मेरा बच्चा दारू पी रहा था, मुझे पता है मेरा बच्चा सिगरेट पी रहा था, अंगीकार करिए, लेकिन विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके मन के, परमेश्वर आपके बच्चे को बदलेगा। प्रार्थना करिए, उस भाई से उस बहन से बोलिए कि मुझे विश्वास है
मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे को बदलेगा। यस, हमें आशा नहीं खोनी है, हमारे पास आशा है और वो है यीशु। कुछ भी हमारे जीवन में हो जाए, हर चीज को वो ठीक कर सकता है। किसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको वो ठीक नहीं कर सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमको नहीं दे सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, इसे कभी मत डरिए, कभी मत डरिए। प्रेज द लॉर्ड, परिस्थिति का सामना करिए। एक छोटी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। अबीगेल और नाबाल जो दाऊद के समय में थे, पहला शमूएल 25 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अबीगेल वही एक औरत थी और नाबाल वहां का एक धनी व्यापारी था। कर्मेल पर्वत पर वो अपनी भेड़ों को लेके गया उनको चरने के लिए। उस इलाके का वो बाशिंदा था, उस इलाके का वो एक व्यापारी था। दाऊद उस समय अकेला फिर रहा था क्योंकि शाऊल की मृत्यु हो गई थी, शाऊल मर गया था और दाऊद अपने अपने साथियों के साथ उस इलाके में बसा हुआ था। और दाऊद ने इस नाबाल की बहुत हेल्प की थी। जब ये जब इसके साथी वहां पर काम करते थे, उनकी रक्षा करता था जानवरों से, लोगों से, दाऊद ने उनकी बहुत हेल्प की। अब दाऊद को जरूरत थी क्योंकि दाऊद उस व्यापारी के पास के दाऊद ने अपने व्यापारी के पास उस व्यापारी के पास नाबाल के पास अपने सैनिकों को भेजा और उसके सैनिक गए। उसने कहा कि देख, दाऊद ने तेरी हेल्प की है, दाऊद ने तेरी रक्षा की है, तेरे साथियों की, तेरे दोस्तों की, तेरे व्यापार की, तो अब हमें कुछ चाहिए, हमारी हेल्प कर, किशमिश दे, अंजीर दे, कुछ खाने के लिए दे, कुछ रुपए दे, हमारी हेल्प चाहिए, हमें हमें तेरी हमारी हेल्प कर। लेकिन नाबाल ने कहा, अरे नहीं, मैं किसी दाऊद को नहीं जानता, मैं किसी दाऊद को नहीं जानता और मैं कुछ नहीं दे रहा। वो बहुत ही अड़ियल इंसान का था, गलत इंसान था, एहसान फरामोश था। ये बात जब दाऊद के पास पहुंची तो दाऊद गुस्से में आ गया कि मैंने अब तक तो इसे संभाला लेकिन अब नहीं संभालूंगा, अब मैं इसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। उसने हैद किया, उसने कहा चलो, अपने सैनिकों से बोला चलो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नाबाल का एक कर्मचारी जिसको पता चला, वो भागता हुआ अबीगेल के पास आया। अबीगेल के पास आया और उससे कहा कि ऐसी सी बात हो गई है, दाऊद ने कुछ मांगा खाने के लिए, कुछ राहत सामर्थ्य मांगी, कुछ सहायता मांगी, लेकिन तेरे आदमी ने, नाबाल ने मना कर दिया और अब दाऊद चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, अब दाऊद से मारने के लिए आ रहा है। अबीगेल ने सोचा, आप सोचिए कि अबीगेल के पास कौन सी परिस्थिति थी, कैसी परिस्थिति होती, ऐसी परिस्थिति जिसमें वो आप डर सकती थी। हो सकता है वो पड़ोस के राजा के पास जाती, बहुत पैसे वाली थी, हो सकता है वहां के किसी गुंडे के पास जाती, बहुत पैसे वाली थी, कि भाई पैसा लो भैया, मेरे आदमी को बचाओ, मेरे बिजनेस को बचाओ। तब क्या होता, दाऊद में उनमें युद्ध होता और दाऊद शक्तिशाली था, मार देता उनको। लेकिन उसने क्या किया, उसने विपत्ति से हारी नहीं, वो विपत्ति का के प्रभाव में उसने गलत नहीं लिया, विपत्ति के सामने गई, हालात के सामने गई, हालात पर हावी हो गई। उसने सब कुछ सामान लिया, किशमिश लिया, अंजीर लिया, सब कुछ लिया और गधे पर लाद कर वो दाऊद के पास गई और दाऊद से मिला और दाऊद के पास उसने कहा कि दाऊद, मैं वंदना करती हूं और माफी मांगती हूं कि मेरा पति नाबाल जो कि मूर्ख है, उसके नाम का अर्थ भी मूर्ख ही है, उसने मूर्खता की और उसने तेरे प्यार को, तूने जो सेवा की है उसकी कदर नहीं की, इसलिए मैं माफी चाहती हूं और ये स्वीकार कर और प्लीज हम पर दया कर, मेरे आदमी पर दया कर। हालेलुया, दाऊद ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों के बाद जो नाबाल था उसकी डेथ हो गई और अबीगेल अकेली रह गई और आप जानेंगे कि उसने, दाऊद ने अबीगेल से शादी की। बताने का मतलब यह है कि अबीगेल ने कैसे उन परिस्थितियों का सामना किया, कैसे उस परिस्थिति को, परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आई वो। अगर अबीगेल उस परिस्थिति के प्रभाव में आ जाती तो गलत डिसीजन ले लेती। हम लोग परिस्थिति के प्रभाव में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। परिस्थितियां हमें इतनी प्रभावित कर देती हैं कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर क्या होता है, हमसे पाप हो सकता है, हमसे गलत काम हो सकता है, हम परमेश्वर के विरुद्ध जा सकते हैं, हम भटक सकते हैं रास्ते से और यही शैतान चाहता है। इसलिए मेरे भाई, अपनी परिस्थितियों का सामना करिए, अपनी हालातों पर हावी हो जाइए, अपनी अपनी असफलताओं का अंगीकार करिए, कबूल करिए। यस, एक समय था जब सफल थे आप, आज आप असफल हैं,
कबूल करिए मैं असफल, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी उम्र हो गई है, मैं 50 साल का हो गया हूँ, 60 साल का हो गया हूँ, अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। पहले मैं बॉस था, मेरी फैक्ट्री थी, जब मेरे पास 400 मजदूर थे, लेकिन आज मैं कहीं और मजदूर हूँ, बिकॉज मेरी एज हो गई है, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, मुझे एक अकाउंटेंट का काम मिला है, कहीं जा रहा हूँ अकाउंटेंट का काम, हाँ 2000 में मिलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपका साथ देगा, परमेश्वर आपका साथ देगा। मेरे भाई मेरी बहन, डरिए मत, अपनी परिस्थितियों से भागिए मत, अंगीकार करिए, आज मेरा बुरा वक्त है, कोई बात नहीं, मेरा यीशु तो मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, आपका यीशु आपके साथ है, अंगीकार करिए। हर आदमी असफल होता है मेरे भाई, आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, आप गांठ बांध लीजिए। बड़े से बड़ा आदमी जो आज सफल है आपको दिख रहा है, वो कभी असफल था, वो कभी असफल था मेरे भाई, इसलिए डरिए मत। ये सर्कल है, ये सर्कल है, आज आप असफल हैं, कल आप सफल होंगे, कल आप कहते अविश्वासी थे, आज आप अविश्वास, आज आप विश्वासी हैं, कल आप शैतान के थे, आज आप यीशु के। प्रेज द लॉर्ड, सर्कल है ये, आप प्रभु में आ गए। सबसे बड़ा तो खजाना यही है, सबसे बड़ी सफलता यही है कि यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है, यीशु मसीह ने हमें अपना नाम दिया है, यीशु मसीह ने हमें आशीष दिया, और यीशु की कृपा हम पर है, यीशु की दया हम पर है, और यीशु मसीह मेरे नाम से मुझे जानता है, कोई जाने ना जाने, कोई जाने ना जाने, लेकिन यीशु मुझे मेरे नाम से जानता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बिल्कुल चिंता मत करिए, असफलता में कहिए कि यीशु मेरे नाम से जानता है, यीशु मुझे मेरे नाम से जानता है। आपकी असफलता आप पर हावी नहीं होगी, यीशु आपके साथ है, इसे डरिए मत मेरे भाई, हालातों पर हावी होइए, असफलताओं को कबूल करिए, परमेश्वर आपके साथ है और आपको सफल बनाएगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए, महिमा और आदर के योग्य आप हैं परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष मेरे भाई बहनों पर बना रहे परमेश्वर, दयालु पिता दया कर, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर मेरे भाई बहनों को परमेश्वर प्रभावित ना कर सके, परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि, तेरा आशीष इन पर बना रहे परमेश्वर, यस लॉर्ड, तेरी दया का आशीष बना रहे, तेरी शक्ति, तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि परमेश्वर, यस लॉर्ड, निर्बलताओं में तू हमारे साथ होता है परमेश्वर, तू हमें संभालता है परमेश्वर, जब हम सच्चाई के साथ तेरे साथ आते हैं, और तू हमें सिर्फ उठाता ही नहीं है परमेश्वर, तू हमें लोगों के सामने ऊंचा करता है, तू हमें लोगों के सामने मान और सम्मान देता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 91:15 कि जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे नाम को जान लेता है, मैं उसे ऊंचा स्थान देता हूं, मैं उसे ऊंचा स्थान देता हूं। यस लॉर्ड, आप हमें ऊंचा स्थान देने के लिए आपने हमें चुना है, ऊंचाई पर बैठाने के लिए आपने हमें चुना है, अपना बच्चा बनाने के लिए हमें आपने चुना है, यस लॉर्ड, सत्यानाश के गड्ढे में से निकालने के लिए आपने हमें चुना है, हालेलुया, चट्टान पर स्थिर करने के लिए आपने हमें चुना है परमेश्वर, आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, ऐसा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं, प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, आमेन, 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 गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है।